और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार बगैर केंद्र की सहमति के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में सिर्फ केंद्र सरकार का ही फैसला मान्य होगा। 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार और एक दोषी वी श्रीहरन उर्फ मुरुगन और तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 12 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब फॉलो एंड लाइक।